सो अब हम जा रहे हैं ऊपर एलसी वाकी पे, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हमजा काजी व्लॉग्स। तो आज मैं यूनिवर्सिटी से भी फ्री हूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी का नीचे हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ पे कोई आई के लिए ऐसा ऐसा कोई क्लिनिक नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं मैक बर्गर के पास। मैक बर्गर के सामने जो एक बिल्डिंग है उसके अंदर आई क्लिनिक है। तो अपॉइंटमेंट हम पहले गए हैं तकरीबन 2 घंटे पहले, तो उन्होंने कहा था कि आप 2-1 घंटे बाद आइएगा। हम वापस आ गए यहाँ पर, यूनिवर्सिटी से लेक्चर लिया, अब हम वापस फिर जा रहे हैं वहाँ पर, तो देखते हैं आप वहाँ पर क्या बनता है। ये सामने हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे ऑप्टोमोलॉजिस्ट डॉक्टर के वाले से ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि यहाँ डॉक्टर हो और हम जाकर अपना चेकअप करवा सके। तो हम वहाँ पे गए नहीं, हम वहीं से हमने यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, सीधे रोड से सीधा बस स्टॉप पे आ गए और निकल गए। चलें फिर बस पे बैठते हैं और चलते हैं, चलें फिर। यहाँ पे आपको जगह जगह मेडिकल स्टोर मिलेंगे, बैंक्स यहाँ पे जगह जगह है, डेंटिस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऑप्टिका इनके आंखों के हवाले से जो यहाँ पे क्लिनिक्स हैं वो बहुत कम है, बहुत कम। हम जब पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप 150 हम देंगे तब आपका आगे चेकअप होगा। सो दूसरी बात, जब हमने अंदर एंट्री मारी तो हमारा जब चेकअप हुआ तो उसके बाद हमने उससे पूछा कि कितने पैसे, तो उसने कहा नो, कोई पैसे नहीं, क्योंकि आपके दोस्त की जो आँखें हैं बिल्कुल ठीक है और उन्हें ग्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं है, सो इसलिए कोई पैसा नहीं है और आप लोग बगैर किसी पेमेंट के वापस जा सकते हैं। सो हम भी पाकिस्तानी, हमने कहा नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं, आप हमें कोई और डॉक्टर प्रेफर करें, जो बताया हमें कि यार कोई और अच्छी जगह प्रेफर करें कि जहाँ हम जा सकें। तो उसने हमें एड्रेस दिया है, बकुम बाई स्ट्रीट पे आप जाएं, वहाँ पे एक आई सेंटर है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे डॉक्टर आता है 10 के बाद, अब वहाँ पे अगर फिर भी आपको तशवीश है तो आप वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू करवा सकते हैं। एट द एंड मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ भी नहीं था, सब क्लियर था, और अब हम वापस फ्लैट की तरफ निकल रहे हैं। इससे पहले हम लेंगे ज़्यादा के लिए फ्राई पान और फिर हम वापस फ्लैट पर आ जाएँगे। सो अलमा की खास बात यह है कि अलमा में आपको 24/7 सब कुछ मिलेगा, और अलमा की बोतल, अंडे वाला बर्गर, सबसे कम कीमत वाला हमें ये लगा है तो ये उठा लिया हमने। ठीक है, हम भी खुश और ज़ैद भाई भी खुश। सो स्टूडेंट लाइफ हो और मैंने शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये हमारा रोज़ का मामूल है कि जब भी हम कहीं निकलते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं और वहाँ पर जाके जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं। किसी ना किसी दिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई चीज़ पसंद आएगी। अब यहाँ पर आए हैं हम अमीर भाई के लिए टी शर्ट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे टी शर्ट है ही नहीं क्योंकि मौसम ऐसा आ गया कि आप सिर्फ सर्दियों का माल मिलेगा। नो टी शर्ट इन डिफेक्टो, इम्पॉसिबल, पॉसिबल। डिफेक्टो से हमें टी शर्ट नहीं मिली, तो अब हम आ गए हैं दुदोई प्लाजा, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अब टेरानोवा पे, होप्स कि यहाँ से हमें मिल जाए। आप ये ना समझे कि हम यहाँ मॉल्स घूम रहे हैं, ये हमारे रूट में आती है, तो हमने क्या घर जाते जाते ये भी घूमते रहे। सो फाइनली हमें टी शर्ट्स मिल गई और टी शर्ट चाहिए हमें ब्लैक, बट वी डोंट लाइक स्टफ। सो अब हम जा रहे हैं ऊपर एलसी वाकी पे, आइए हमारे साथ। दिस पोर्शन इज़ फॉर वुमेन एंड दिस इज़ फॉर लेटेंट्स। यहाँ का कलर तो काफ़ी है बट दिस वन इज़ गुड। बदलते मौसमों पर आपने कभी उम्मीद न रखना, दिन बारों के काफ़ी कम आते हैं,
सो अब आ गया अक्टूबर का स्टार्ट और यहाँ पे खास खजां की आमद आमद है और अभी स्नो नहीं हुई जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी हसीन लग रही हैं। जब स्नो होगी तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वीरान हो जाएंगी। सो फ्लैट पे पहुंच गए, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। मीट यू सून, अल्लाह हाफिज़।